डॉक्टर साहब सब ठीक है ना? देखिए इस उम्र में इनका स्ट्रेस लेना ठीक नहीं है। मैं कुछ दवाई लिखकर दे रहा हूँ, आप टाइम से इन्हें देते रहिएगा। जी डॉक्टर साहब। वैसे तो सब ठीक है, बस बीपी हाई होने की वजह से इन्हें चक्कर आ गया था, लेकिन आप लोग प्लीज इनका ख्याल रखिएगा। जी। डॉक्टर डॉक्टर कैसी है? देखिए घबराने की कोई बात नहीं है, तो उनका बीपी हाई हो गया था। शी इज स्टेबल नाउ? हाँ। मैं चलूं? प्लीज थैंक यू। बाय। मुझे मम्मी जी से अकेले में बात करनी है। तुमने सुना नहीं? मुझे मम्मी जी से अकेले में बात करनी है। पापा जी प्लीज। हुण की गल करनी है तेनों मेरे नाल? मैंने जो कुछ कहना सी मैंने कह दिया। हुण मैंने ना कुछ कहना है ना कुछ सुनना है। क्यों? बात क्यों नहीं करनी आपको मेरे साथ? आपने अपने बेटे से आके बहुत सारे सवाल पूछे, अब आपकी बहू आपसे सवाल पूछना चाहती है। मुझे बात करनी है आपसे मम्मी जी, सुन रहे हो आप? तू अपने पति से पूछ के आई है इधर? मुझे किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। मैं अभी भी इस घर से जुड़ी हूँ, एक भल्ला हूं मैं। और तो और मम्मी जी मैं एक इंडिविजुअल हूँ, अपने निर्णय खुद ले सकती हूँ। और मैं सिर्फ रमन की पत्नी नहीं हूँ, आपसे भी मेरा एक बहुत बड़ा रिश्ता है। उस रिश्ते के नाते मुझे बात करनी है आपसे। आप मुझे बताइए, क्या किसी और का मोहताज है हमारा रिश्ता मम्मी जी? रमन और पापा जी के बीच जो भी हुआ, आप मुझे क्यों सजा दे रही हो उस चीज की? रमन ने अपने डिसीजंस लिए, पर आप मुझे क्यों दूर कर रही हैं खुद से? क्या हम दोनों सिर्फ सास बहू हैं और कोई रिश्ता नहीं है हमारा? मम्मी जी आपने मुझे बेटी का प्यार दिया है, तो अपने बेटे के लिए आप अपनी बेटी को क्यों दूर कर रहे हो खुद से? मैं मानती हूँ हुई है गलती, उन्होंने जो निर्णय लिया वो गुस्से में लिया, ईगो में आके उन्होंने घर छोड़ा। मम्मी जी मैंने उनका साथ दिया क्योंकि वो मेरे पति हैं और मैं उनके साथ खड़ी रहूंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत को गलत नहीं कहूंगी। वो गलत थे मम्मी जी, लेकिन क्या आपने मान लिया कि ये जो सिचुएशन है ये हमेशा ऐसी रहेगी? आपका बेटा आपसे दूर हो रहा है, आपने होने दिया अपने बेटे को अपने से दूर, मान लिया कि वो दूर रह सकते हैं आपसे। वो आपके बेटे हैं मम्मी जी, यूं नो कि वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं। आपको पता है कि वो इस परिवार से दूर नहीं रह सकते, वो तो अंदर से जल जाएंगे बुरी तरह से। मम्मी जी वो नहीं रह सकते आपके बिना। मम्मी जी मैं नहीं रह सकती हूँ आपके बिना, इस परिवार से दूर। मैं ठीक करना चाहती हूँ सब कुछ, मैं एक कोशिश करना चाहती हूँ, और इसमें सिर्फ एक इंसान है जो मेरी मदद कर सकता है, वो है आप। मम्मी जी आपको याद है आपने मुझसे एक बार कहा था कि जा इशिता शेरनी बन के अपनी रूही को वापस लेकर आ। हम दोनों ने मिलके शगुन को इस घर से बाहर निकाला था खदेड़ के। दोनों ने मिलके आज मम्मी जी एक शेरनी को दूसरी शेरनी की जरूरत है। अकेले एक हाथ से मैं ताली नहीं बजा पाऊंगी। हमारा घर बिखर रहा है मम्मी जी, हम सब अलग हो रहे हैं। मैं अकेले इस घर को नहीं जोड़ पाऊंगी। मुझे जरूरत है आपकी। मैं हक से आपसे कह रही हूं कि आप साथ दीजिए मेरा। हम एक बदलाव तभी ला पाएंगे मम्मी जी जब एक सास अपनी बहू से हाथ मिलाएगी। ले, हाथ मिला लिया। अब हम देखते हैं कि सारा कुछ पहले जैसे कैसे नहीं होता। हम मिलके सब ठीक कर देंगे मम्मी जी। मुझे सिर्फ आपके साथ की जरूरत नहीं। मैं तेरे साथ हूं पुत्र। सच में हौसला बढ़ गया मेरा मम्मी जी। थैंक यू सच में। तेरा थैंक यू पुत्र। माता रानी तेरे खुश रखे। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। I'm not a good boy. I'm not a good son. पापा और शिवम मेरी वजह से घर छोड़ के आए। विनी मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। भैया आप इडली खाने के लिए क्यों नहीं आए? नीका चिति ने आपकी फेवरेट रवा इडली बनाई है। मुझे भूख नहीं। आदि भैया आप सैड क्यों और आप ऐसा क्यों कह रहे हो? आपकी वजह से हमने घर छोड़ा। आप अपने ऊपर ब्लेम मत करो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं रूही, कुछ भी ठीक नहीं होगा। उफ़ आदि भैया आपको पता नहीं है, मुझे पता है। पापा और ईश्मा सब कुछ ठीक कर देंगे। हमारे घर में तो कोई ना कोई लड़ता ही रहता है, फिर सब ठीक हो जाता है। फिर आप क्यों वरी कर रहे हो? चलो आप इडली खाओ वरना मैं आपको खिलाऊंगी। चलो चिड़िया लैंड होने वाला है। क्या कर रूही, मैं बच्चा हूँ क्या? हाँ आप छोटे बच्चे की तरह ही बिहेव कर रहे हैं। चलो मैं अभी आती हूँ, आप खाओ। रूही, रूही बेटा क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? अभी आदि भैया को कहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर पता नहीं कुछ ठीक होगा कि नहीं। सब ठीक होगा बेटा, सब ठीक होगा। नहीं दादा कुछ ठीक नहीं होगा। पापा ने कभी ऐसा गुस्सा नहीं किया है, कैसे वो घर छोड़ के चले जाए। डोंट वरी बेटा, सब ठीक हो जाएगा, रोते नहीं। नहीं नहीं बेटा रो नहीं, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। रूही क्यों रो रहे हो आप ऐसे? हाँ रूही लिसन, आपके लिए एक सरप्राइज है, एक सीक्रेट है जो मैं सिर्फ आपको बताऊंगी। सुनो, तुम्हारी ईशिमा सब ठीक कर देंगी। यू ट्रस्ट ईशिमा? बस मैं तुमसे वादा कर रही हूँ, सब ठीक हो जाएगा।